प्यारे बच्चों, आइए हम आज नया व्यंजन सीखते हैं। इस नए व्यंजन को हम क्या कहते हैं? द्वित्वाक्षर। द्वित्वाक्षर कहते हैं बच्चों। द्वित्वाक्षर किसे कहते हैं? जिन शब्दों में दो अक्षर समान होते हैं वो शब्द क्या कहलाता है? ये द्वित्वाक्षर कहलाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला है क प्लस च। इसमें हमने देखा यहाँ पर एक स्लैंटी लाइन लगी हुई है। ये स्लैंटी लाइन हिंदी में कहते हैं इसे हलंत। जिन अक्षर में ये स्लैंटी लाइन लगी होती है वो अक्षर हाफ हो जाता है, मीन्स आधा हो जाता है। जैसे क प्लस च, प्लस च में आ की मात्रा चा, कच्चा। यहाँ पर देखिए ये लेटर जो है हाफ हो गया। ये सेम लेटर है, एक फुल है, एक हाफ है, एक फुल है। तो ये हाफ और फुल मिलकर एक अक्षर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं द्वित्वाक्षर। तो क च चा, कच्चा। ठीक है बच्चों, दूसरा शब्द देखिए ब च चा, बच्चा। म प्लस क की क, हलंत। प्लस क में आ की मात्रा का, मक्का। मक्का में स्कॉट। फिर दूसरे शब्द में आते हैं र प्लस स, इसमें भी हलंत लगी हुई है। प्लस स में बड़ी की मात्रा सी, रस्सी। र आधा स मीन्स हाफ स, देन स में बड़ी की मात्रा सी, रस्सी। रस्सी मीन्स रोप। फिर नेक्स्ट है बी प्लस ल प्लस बड़ी की मात्रा ली। बी हाफ ल एंड फुल ल, ल में बड़ी की मात्रा ली, बिल्ली। देखिए शब्द बना है बी आधा ल एंड पूरा ल में बड़ी की मात्रा ली, बिल्ली। और फिर देखिए नेक्स्ट प प्लस त प्लस आ की मात्रा ता, प ता, पत्ता। हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमने, प में जो ये हाफ ल है आप सिर्फ ये लिखेंगे, ऐसा ज्वाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले त लिखेंगे फिर उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पत्ता। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट है कु, क में छोटू की मात्रा कु, त, और त में आ की मात्रा ता। तो क्या बन गया? कुत्ता। कुत्ता को कहते हैं डॉग। तो देखिए कुत्ता हमने कैसे लिखा? क में छोटू की मात्रा को, त, और एक छोटी सी स्लैंटी लाइन, स्लिपिंग लाइन आएगी त के ऊपर, तो क्या बना? ता, कुत्ता। इसी तरह से हमने आज सीखा द्वित्वाक्षर। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप बोलने का और लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।